सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे भी पहले आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज में हम प्रॉब्लम जिस हायरार्की में सॉल्व करेंगे ना, तो पहले हम नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप करके इजी प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह हम सीरीज चढ़ते चढ़ते हार्ड प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व करके सीख जाएंगे, ठीक है। और फिर कहता हूँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको अप्रोच करना। एक बार अगर प्रॉब्लम को अप्रोच करना आ गया ना, तो ऐसा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या है, हमें एक नंबर गिवन है, हमको सिंपली उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो लेट्स से इनपुट में हमें 200 मिला है, ठीक है। जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 002 होना चाहिए, बट जब आप इसका कोड लिखोगे ना, उसमें आप जीरो को मल्टीप्लाई करके भी क्या फ़ायदा, अगर किसी भी नंबर को जीरो से अगर ऐड करोगे, जीरो किसी भी नंबर को अगर जीरो से ऐड करते हैं तो वही नंबर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सिंपली 2 है। दूसरा आउटपुट क्या है हमारा, 122। जब इसको रिवर्स कर दिए तो क्या क्या आ गया, 221, ठीक है। तो क्या हुआ वो समझते हैं। हमको इसको 122 को 221 बनाने के लिए 2 तो चाहिए, तो 2 हमको कहाँ से मिलेगा, 2 हमको मिलेगा जब हम इस नंबर को मॉड कर देंगे 10 से, तो हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगा। हमको पता है किसी भी नंबर को हम जब हम डिवाइड करते हैं 10 से, नॉट डिवाइड, जब भी मॉडुलो करते हैं तब हमको लास्ट डिजिट उसका मिल जाता है, ठीक है। अब लेट्स से इस प्रॉब्लम को हम दो वे से सॉल्व करेंगे, एक लूप से एक रिकर्सन से। अभी हम लूप्स पहले रिकर्सन से ही कर लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शन कॉल किए रिवर्स डिजिट, ओके, क्योंकि रिकर्सिव कोड लिखना बहुत ईजी है। इस फंक्शन की जो भी रिटर्न टाइप होगी, रिटर्न वैल्यू होगी, वो हम इस फंक्शन से रिटर्न करा देंगे, ठीक है। इसमें हम नंबर पास कर दिए और जीरो पास कर दिए, ठीक। हम अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, उसका रिटर्न टाइप होगा लॉन्ग लॉन्ग इंट रिवर्स डिजिट, ठीक है। क्या क्या उसमें आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, एक तो नंबर जिसका टाइप है लॉन्ग लॉन्ग इंट एन, और फिर लॉन्ग, वेट अ मिनट, एक ही चीज़ को बार बार लिखने से अच्छा है कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है ना। यहाँ से इसको सिंपली पेस्ट किया, लॉन्ग लॉन्ग इंट क्या हो जाएगा, रिवर्स, ठीक। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर मान लो ये हमारा बेस केस है, अगर नंबर का वैल्यू जीरो हो गया ना कभी भी, उस केस में सिंपली आप रिटर्न करा दो क्या, रिवर्स वेरिएबल का वैल्यू, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, इसमें ऐसा नहीं है ना, तो एक हम वेरिएबल बनाएंगे इंट रिमाइंडर नाम का, ठीक है। अगर या फिर हम रिमाइंडर नहीं भी बनाए ना, तो इसको हम इनलाइन फंक्शन एक ही लाइन में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सॉरी, नॉट इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन इज वे मोर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो रिवर्स असाइन रिवर्स इनटू 10 प्लस एन मॉडुलो 10, ठीक है। अब इस ये हो जाने के बाद नंबर को हमको ब्रेक डाउन भी करना है, तो एन डिवाइड इक्वल्स टू 10, इससे क्या होगा, हमारा नंबर छोटा होता जाएगा, ठीक है। एक टाइम आएगा कि जीरो हो जाएगा और हमारा बेस केस रीच हो गया, और हम बेस केस में क्या लिख रिटर्न करवा दें, सिर्फ रिवर्स वेरिएबल का वैल्यू, दैट्स इट। एन पास किए रिवर्स, दैट्स इट। आइए इसको रन करके देखते हैं, कुछ एरर भी है क्या। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। तो हम क्या किए वो हम समझते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है। हम लास्ट डिजिट फेच किए, ठीक है, और उसको एक नंबर, हम नंबर जैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो लिखे, इस लाइन सिंगल लाइन से हमारा नंबर कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू रिवर्स का था जीरो, तो जीरो इंटू 10, किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। उसके बाद उस नंबर को जब 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट डिजिट उसका हम फेच कर लेंगे, और इस हिसाब से रिवर्स नाम के वेरिएबल में उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा। फिर नंबर को ब्रेक करके ये काम हमारा होता रहेगा होता रहेगा, ठीक है। बट ये रिकर्सिव सॉल्यूशन था। एनीवे, रिकर्सिव सॉल्यूशन ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है इन टर्म्स ऑफ लूप वाला अप्रोच, तो अब हम लूप वाला अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम कर देंगे कमेंट आउट, कोड को हम नहीं हटाएंगे, ठीक है।
अब इस फंक्शन को हम यहीं पे एट्रिटिव कोड को इसी में लिखेंगे, ठीक है, इंट, और लॉजिक सेम रहेगा, ठीक है, वाइल एन ग्रेटर देन जीरो, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन जीरो है तब तक ये काम करो, ठीक है। एक वेरिएबल और बना लेते हैं, लेकिन उसका टाइप होगा लॉन्ग, लॉन्ग इंट रिवर्स असाइन जीरो। अब क्या करो, रिमाइंडर असाइन नंबर मॉड्यूलो 10, सेम स्टेप, ठीक है, रिवर्स असाइन रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर नंबर डिवाइड इक्वल्स टू 10, नंबर को ब्रेक डाउन कर दिए। और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न करवा दूंगा क्या, रिवर्स वेरिएबल का वैल्यू, डेट्स इट। इसको भी सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। तो दोनों वे से हम देख लिए कि हमको एक नंबर अगर गिवन है तो हम, अगर हमको उसको रिवर्स करना है तो हम रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज़, ये जो नंबर है ना, ये जो प्रॉब्लम है हमारा रिवर्स डिजिट, ये प्रॉब्लम सेम लीड कोड पे भी है, ठीक है। हमें एक नंबर गिवन है, उसको हमको सिंपली रिवर्स करना है, ठीक। बट उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें हमको बस एज केस और कॉर्नर केस को मेंटेन करते रहना है। कभी ऐसा भी तो हो जाए कि लॉन्ग लॉन्ग इंट के भी रेंज से कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम रिवर्स करें, वो लॉन्ग लॉन्ग इंट के भी रेंज से बाहर निकल जाए, तो उस केस में क्या करना होगा। अगर आप, तो अगले वीडियो में हम लीड कोड वाला भी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे इसी प्रॉब्लम को हेल्प के। इसी प्रॉब्लम सेम है, बट उसमें टेस्ट केस डिफरेंट होगा हमारा, इसमें टेस्ट केस हमारा डिफरेंट था, ठीक है। तो हम कैसे समझेंगे किसी प्रॉब्लम का टेस्ट केस क्या होगा, ठीक है। एक तो एग्जांपल गिवन होगा, दूसरा जब भी हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे ना, तो हम कंस्ट्रेंट पे ज़रूर ध्यान देंगे। कंस्ट्रेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम को एफिशिएंटली और एक बार में सारा टेस्ट केस पास करवा देने के लिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसका लीड कोड वाला वर्जन देखेंगे, और अभी इस तरह के प्रॉब्लम सीरीज़ में ही आएंगे, ठीक है। हम पहले बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये हमारा लूप चलता ही रहेगा, ठीक है। और क्या आएगा इसके साथ, अब हम अपना सी लैंग्वेज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एंड। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम सी प्लस प्लस पढ़ाएंगे, ठीक है। सी प्लस प्लस हो जाने के बाद डीएसए तो चल ही रहा है हमारा, सिर्फ इसी का प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे, डीएसए का भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली 3-4 वीडियो लिंक लिस्ट पे और आएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टैक पे जंप करेंगे, फिर क्यूज पे जाएंगे, फिर बाइनरी ट्री पे जाएंगे, फिर बाइनरी सर्च ट्री पे जाएंगे, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, बैक ट्रैकिंग, तो जितने टॉपिक हैं ना सब हमारा लूप, क्या बोलते हैं, पाइपलाइन में लगा हुआ है, सब एक एक करके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।